सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल वोट सेवा डॉट इन से आप पीएम किसान का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। कई सारे लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर पीएम किसान की साइट चालू है या बंद है, और पीएम किसान की साइट अगर चालू है तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। सो इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि डिजिटल वोट सेवा डॉट इन से आप पीएम किसान का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको आ जाना है अपने पैनल में। पैनल में आने के बाद आप आएंगे और सर्विसेज में, उसके बाद में आपको दिखेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो जो भी फॉर्म के अंदर डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगी। सो यहाँ पर आप स्टेट में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप पीएम किसान का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप पीएम किसान का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, जिस भी तहसील से आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी ब्लॉक आपको अप्लाई करने में देना है। उसके बाद में विलेज का नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल हमने सियाली डाल दिया है। उसके बाद में आप एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस है विलेज पोस्ट गुरुग्राम, तो आप इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में आपका कैटेगरी क्या है, यानी जिसका आप पीएम किसान फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फॉर्म नेम क्या है वो डालेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपना ही भर के देख रहे हैं ऐसे आपको डेमो के लिए, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना नेम। फादर नेम जो भी है वो डाल देना है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देनी है। उसके बाद में आधार नंबर डाल देना है, जो भी आधार नंबर है। उसके बाद में बैंक का नाम डाल देना है, जो भी बैंक है। उसके बाद में आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका कस्टमर दिया हुआ है उस नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर सर्वे खाता नंबर, यानी जो आपकी खतौनी है, जो कस्टमर ने खतौनी दी है उसके अंदर जो खाता नंबर है 5 अंकों का, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में जो डाक घाटा संख्या या खसरा संख्या जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, 3 अंक या 4 अंक जो भी होंगे। उसके बाद में जो हेक्टर है पूरा वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और अगर आपको कोई दूसरी खतौनी है जिसकी आपको डिटेल्स देनी है तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले आप अपना वॉलेट बैलेंस जरूर देखेंगे। ये सभी फॉर्म में आपको अनिवार्य है कि वॉलेट बैलेंस देखने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट जैसे ही आप जनरेट होगा तो आप ये रिसिप्ट प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो ये रिसिप्ट आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज करेंगे और आ जाएंगे ऑल ऑर्डर में, और यहाँ पर आ जाएंगे पेंडिंग में। सो यहाँ पर पेंडिंग में आने के बाद देखेंगे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो पूरा डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप पीएम किसान फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल वोट सेवा डॉट इन से। लेकिन यहाँ पर अभी आप फॉर्म अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि पीएम किसान की साइट जो ऑफिशियल है वो बंद है और अभी ऑफिशियल साइट से पीएम किसान का डाटा अप्रूवल नहीं हो रहा है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके की आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सबका हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोस को हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियोस को देखकर कुछ नया सीख सके। सो अभी हम वीडियोस को लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपके साथ लाइव मिलेंगे। सो फाइनली अभी तो आपको जो भी प्रोसेस बता रहे हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो आपको समझा रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।